हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत ही दिनों बाद कह लो या बहुत मंथ बाद कह लो, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी आपको सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। मैसेज आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों रेगुलर अपलोड नहीं कर रही हूँ। रेगुलर मीन्स कि बहुत दिन बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रंच का, वो भी वो वीडियो क्रंच वाली वीडियो अभी मैंने नहीं बनाई थी, वो बनाई थी मैंने लगभग मार्च में, या हाँ मार्च में बनाया था मैंने वो वीडियो, मार्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च के बाद के ही आपके पास आपने नोटिस किया होगा या मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा तो मार्च में ही मेरा पोस्ट हुआ था। और बहुत ज़्यादा ही मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और हिम्मत जुटा के मैंने कैसे कैसे वीडियो बनाया और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सिर्फ देने के लिए मैं क्यों नहीं बना रही थी। सभी लोग पूछ रहे थे मेरे से वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत कम आ रही होगी, मुझे ईयरफोन लगा लेना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे इधर आके वीडियो बनाना पड़ा और क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और आवाज़ भी मेरी नहीं जा रही होगी आप लोगों के पास। तो यही था, मेरे बहुत सारे अच्छे सब्सक्राइबर मेरे से बहुत सारे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। तो मैं क्या बताऊँ, हम लोगों के साथ ऐसा हो गया कि वो रात, वो पल हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। पिछले कुछ मंथ से या पिछले कुछ टाइम से आपको मैंने शेयर भी किया था ये साल और वो जो पिछला साल था उसमें भी कि मेरे सास ससुर आए हुए हैं मेरे यहाँ। और जब वो लोग यहाँ आए थे तो देखिए उनकी सेवा में मैंने कोई भी कमी नहीं रखी थी और उनके लिए मैंने जब जब वो लोग का मुझे लगा है कि उनको टाइम देना चाहिए तब तक मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। जब वो लोग यहाँ आए थे तो उस टाइम भी मैंने 3-4 महीने तक वीडियो नहीं डाला था, नहीं अपलोड किया था। और भगवान को शायद यही क्या मंजूर था या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पापा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। और वो जो सदमा था, हमारे मेरे ससुर हैं लेकिन कहने का मतलब है वो, मैं उस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, पहली बहू हूँ और उस घर में लड़की नहीं है, लड़की नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए वो चीज़ क्या था, क्या प्यार था। हाँ मैं रेगुलर नहीं रही हूँ उनके साथ लेकिन जितने दिन भी रही हूँ बहुत ही मतलब जो भी कह लीजिए मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी उनको बचाने की। जनवरी में भी हम लोग घर गए थे और आपको मैंने वीडियो में ब्लॉग में बता भी चला था कि मैं घर गई हूँ पापा के इलाज के लिए। काफ़ी टाइम से वो परेशान थे काफ़ी टाइम से और एक रात ऐसा आया कि वो हम सबको छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। और इतने टाइम से हम सबसे दुख की बात यह है कि लास्ट टाइम में मैं और मेरे हस्बैंड उनसे मिल नहीं पाए, मतलब लास्ट टाइम में देख तो लिए लेकिन उनसे बात नहीं कर पाए, उनसे बहुत दुख हुआ। और 4 तारीख की रात को हम लोग 5 तारीख को ही निकलने वाले थे और 5 तारीख को निकलने वाले थे लेकिन उससे पहले ही टिकट हमारा 5 तारीख को हो गया था, बट उससे पहले ही 4 तारीख को पापा मेरे देवर का फोन आता है और वो रात में 11 बज रहे थे लगभग। उन्होंने बोला कि भैया कैसे भी करके अब कल का नहीं अभी का फ्लाइट, कैसे भी करके फ्लाइट का टिकट कीजिए, फ्लाइट करके आइए, कैसे भी करके आइए लेकिन आ जाइए वापस अभी, क्योंकि वो पल था ना जो हमारे लिए बहुत ही बेकार था। हम कह नहीं सकते, मैं उस चीज को बोल नहीं सकती कि हम उस कंडीशन में कैसे गए रास्ते भर, उस चीज को कुछ कह नहीं सकते। रात में हम लोग मतलब इतने परेशान हो गए 11 बजे से क्या, हम लोग उस दिन परेशान ही थे बहुत ज्यादा। हम लोगों को एक तो ट्रेन की मतलब ये था, जब तक सुबह हम लोग ने नेक्स्ट डे के 5 तारीख का टिकट किया था तब तक तो पापा थे, सबके सबसे बात कर रहे थे और सब कुछ था। और वीडियो कॉलिंग पे वो हम लोगों को देख के बहुत रोने लगे थे,
वो पल हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि काश हम उनके पास होते, लेकिन नहीं, उनके पास नहीं थे हम, उनके पास नहीं थे हम और दूर थे हम लोग। फिर सोचे कि नहीं, हम लोगों को जाना चाहिए। और जनवरी में हम गए थे और उनके साथ लगभग 1 महीना रह के आए। उनकी सेवा जो था हम लोगों से हो सकता था हम लोगों ने किया ही था, लेकिन इस टाइम जो है हम लोग ने कुछ कुछ कर नहीं पाए उनको, उनके लिए। और वो जिस तरीके से रो रहे थे ना, हम लोग मतलब मेरे हम लोग के कहने मतलब उनका एज नहीं था जाने का, उनका एज नहीं था जाने का, और चले गए हम लोगों को छोड़कर। इसीलिए कहते हैं ना, उनके जाने के बाद कहते हमें इतना लग रहा था, हमें इतना ज़्यादा लगा कि हम ही को पता है। और कहते हैं ना कि अक्सर देखिए, मैं उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके मतलब फ्लाइट का टिकट किए। हम लोगों का समझ लीजिए, हम लोग की मेरे हस्बैंड की उतनी सैलरी नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 20 से 25 या 30 हज़ार तक की है, ठीक। और उस टाइम हम लोगों का जर्नी का जो मतलब फ्लाइट बुकिंग हुई थी तत्काल में हुई थी, और आपको जो लोग फ्लाइट से जाते हैं ना, उनको पता होगा कितनी महंगी फ्लाइट आती है। हम लोगों का 48,000 फ्लाइट का मतलब दो फ्लाइट थी, 48,000 हम लोग का लग गया था। और हम लोग कैसे कैसे मतलब गए, और पापा ऐसे ही पड़े हुए थे। हम लोग की वजह से मेरे देवर जो है हॉस्पिटल से रात में घर लेके नहीं गए, क्योंकि घर पे लेके जाते ना तो शायद हम लोग रात हम लोग पापा को देख भी नहीं पाते, क्योंकि कहते ना गांव में ज़्यादा देर तक नहीं रखने देते हैं, और फिर सबका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता। तो बस मैं आप सबसे इतनी विनती करती हूँ कि देखिए, इंसान होता है जो सबको भगवान बनाए हैं, और सबसे गलतियाँ होती हैं, ठीक। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब सास ससुर हो या बहुत लोग माता पिता के से भी इरिटेट हो जाते हैं, तो ये जो जिंदगी है ना, बस 2 दिन की जिंदगी है। कब किसका टाइम आ जाए और कब किसको दूर जाना पड़ जाए अपने साथ वालों के साथ, कह नहीं सकते। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारे पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे, कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग सोचते अभी बहुत टाइम है और हम लोग पापा के लिए करेंगे, और मैंने बहुत कुछ सोचा था इस बार करने का उनके एनिवर्सरी पे, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर पाई मैं, मौका ही नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं ना, जो आपके पास है उनकी बहुत, वो हमारे साथ कैसा भी करे, ठीक है, हमारे साथ कैसा भी करे, हमारा कर्म हमारी सेवा हमारे पास है, और हम उसका फल हमें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, वो जैसा कर रहे हैं उनको मिलेगा, ठीक है। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आपके पास जो भी बुजुर्ग हैं, जैसा जिसकी शादी नहीं हुई है वो माता पिता हो उनके पास, या उनकी दादी दादा हो, तो उनके साथ देखिए, हम लोग भी उस टाइम उस पड़ाव में आएंगे, ठीक है। तो खुद तब तो हमें पता चलेगा कि हमारे सभी लोग जो परिजन थे या हमारे घर वाले थे हमारे साथ ऐसा क्यों करते थे। तो उनकी सेवा कीजिए, उनकी हर बात को, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनिए, नहीं सुन सकते अगर नहीं, अगर आपके मतलब उसमें है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, कीजिए अपने मन से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इज्जत कीजिए, इज्जत कीजिए, क्योंकि वो हमारे जब एक दिन चले जाएंगे ना साथ से छोड़कर, तो फिर यही हो जाएगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जैसे मैं अभी कह रही हूँ बस। और रही बात, यही था हम लोगों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, और अब बस यही है कि कुछ समय हमारी माता मेरी सास हैं, और वो अभी तो वहीं पे हैं मेरे ससुराल में ही, बनारस में ही हैं, और कुछ समय बाद उनका थोड़ा सा जब सही लगेगा उनको, तो वो मेरे दूसरे देवर के पास जाएंगी या हम लोगों के पास आएंगी, थोड़ा उनका मूड सही हो जाएगा। और मैं सबको ये अपनी देवरानियों को यही समझाती हूँ कि सास का कैसा भी व्यवहार हो, हम लोग के प्रति कैसा भी व्यवहार हो, लेकिन आप तुम लोग यही सोच के करना कि बस 2-4 दिन की जिंदगी है, उनके साथ कुछ ऐसा ना करे कि जो उनको दुख हो, ठीक है। वो कुछ भी कह रही हूँ करने दो, कोशिश करो कि वो जो कह रही करें, पूरा करें। तो आप सबसे भी यही विनती है, बस बुजुर्ग लोगों की बात नहीं कर रही हो, आजकल जनरेशन में आप देख रहे हो कि कम एज में ही लोग चले जा रहे हैं,
और इंसान की जिंदगी ना बहुत ही कम मिलती है, मिलती है उसको जो 2 पल है ना, बस जैसे जो जिंदगी है ना वो रेत की तरह हाथ से निकलते जा रही है बस। और कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, कोशिश करो। अभी हम लोग तो कभी शायद इस चीज सदमे को भूल नहीं सकते, और भूलने की कोशिश करते हैं हम बहुत। आज हमारे पापा जी को 2 महीने हो गए, लेकिन उस चीज को हम भूल नहीं पाते। 4 अप्रैल को पापा डेथ किए थे, और अभी 4 तारीख आ जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो इतने सदमे में गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर के बड़े हैं और उनको उनके लिए उनको वो चीज भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं खुद अभी ससुराल से मुझे 1 वीक हुआ है मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं 1 वीक से ही, जब मैंने आपके पास लास्ट वीडियो डाला था तो आप सभी के कमेंट आए थे, पहले के वीडियो थे वो, अभी के नहीं वीडियो थे, कमेंट्स आए थे कि क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं थी जब बताने की कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से क्या नहीं। अगर मेरे पापा, मैंने अपने देवर से बोला है लास्ट टाइम का फोटो वीडियोज अगर पापा का आपके पास होगा तो प्लीज मुझे भेज देना, अगर वो भेज देते हैं तो मैं किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। एक तो फोटोज है मेरे पास लास्ट टाइम के मेरे पापा जी का, वो मैं अगर कोई पॉसिबल हो पाएगा तो मैं लगा दूंगी, मेरे हस्बैंड अगर बोलेंगे तो। नहीं तो बस इतना ही था, इसी यही रीजन था कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर उस चीज को भूलने की, उस चीज को करने की। और क्या प्रॉब्लम था, बहुत उनको क्या प्रॉब्लम था वो किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। और स्लेट पेंसिल खाने का नतीजा भी वही होगा जो मेरे पापा के साथ हुआ, और रीजन उनको क्या हुआ था क्या नहीं वो सब कुछ मैं बताऊंगी। और इसीलिए मैं भी, मेरे पास कुछ स्लेट पेंसिल जब तक वो है तब तक मैं वीडियो उसका बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगी वो नहीं बनाऊंगी। अब बस आप लोगों के मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो थैंक यू उन सभी लोगों को जो मेरी मेरी परवाह करते हैं, मेरे को पूछा उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप सभी को। अब बस अभी मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे पापा को क्या हुआ था और क्यों स्लेट पेंसिल खाने के लिए मैं मना कर रही हूँ। चलिए अभी बाय बाय।